हेलो, वेलकम टू TNT। इस वीडियो में जानते हैं 8 जून का इतिहास और कुछ प्रमुख जन्मदिन भी। यदि आपका भी आज जन्मदिन है तो करेंगे वो भी सेलिब्रेट। वही तमाशा देखते हैं। 8 जून 1824, नोहू कुसिंग ने वॉशिंग मशीन का पेटेंट करवाया। 8 जून 1824 को जर्मनी के आविष्कारक कैम्बर्ज ने माचिस बनाई। 8 जून 1830 को 8 जून 1869 शिकागो के आइबिस डब्ल्यू मैकजेफी ने पहले वैक्यूम क्लीनर का पेटेंट करवाया। 8 जून 1869 को 8 जून 1936 भारत के सरकारी रेडियो नेटवर्क का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। 8 जून 1936 को 8 जून 1948 भारत की पहली विमान सेवा एयर इंडिया ने भारत और ब्रिटेन के बीच हवाई सेवा शुरू की। 8 जून 1948 को 8 जून 1949 श्याम का नाम बदलकर थाईलैंड किया गया। 8 जून 1949 को 8 जून 1963 अमेरिकी हृदय संघ एजेंसी AHA ने सिगरेट के विरोध में अभियान चलाने वाली पहली एजेंसी बनी। 8 जून 1963 को 8 जून 1968 बरमूडा में संविधान को अंगीकार किया गया। 8 जून 1968 को 8 जून 1997 पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस में भारत के महेश भूपति ने मिश्रित युगल खिताब जीतकर इतिहास बनाया। 8 जून 1997 को 8 जून सन 2013 अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने मारिया शारापोवा को हराकर फ्रेंच ओपन खिताब जीता। 8 जून 2013 को अब जानते हैं 8 जून के कुछ जन्मदिनों के बारे में। 8 जून 1957 भारतीय अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया का जन्म हुआ। 1975 भारतीय अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्म हुआ। 1931 भारतीय अभिनेता राजेंद्र नाथ का जन्म हुआ। 1986 भारतीय गायक नजीम अरशद का भी जन्म हुआ। इन सबको इनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज के दिन अगर आपको भी जन्मदिन है तो आपको भी आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहो, दूसरों को खुश रखो। आपके जीवन के लिए जो उचित और सर्वश्रेष्ठ हो भगवान उसे हमेशा परिपूर्ण करें। 8 जून को जन्मे हुए लोग राशि मिथुन, राशि जैमिनी, वही तत्व एयर एलिमेंट के होते हैं। बहुत डायनेमिक होते हैं और बहुत प्रतिभाशाली होते हैं और खेलों में रुचि रखने वाले व्यक्ति होते हैं। जरूरी नहीं आपकी राशि भी यही हो, आपकी राशि कुछ और भी हो सकती है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, तो आप चेक करवा लें। ये जो मैं बता रहा हूँ ये इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। इस वीडियो में इतना ही। आप जानना चाहते अगर और भी दिनों का इतिहास तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगी सारी वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगे और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे TeamNationTamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।